नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस की खास बुलेटिन समाचार एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ प्रभा शर्मा। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार की राजधानी पटना में एक बड़ा हादसा होते होते बच गया, जहां आज सुबह पटना के दीदारगंज इलाके में सीएनजी पाइपलाइन में रिसाव से ग्रामीणों में भगदड़ मच गई। लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे। तत्काल इसकी सूचना स्थानीय दीदारगंज थाना और फायर यूनिट को दी गई, जिसके बाद फायर यूनिट की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। इस बीच सीएनजी इंजीनियर ने आधे घंटे के अंदर लीकेज को ठीक कर लिया। रांची जिला के बुंडू थाना इलाके में रांची टाटानगर पर सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। युवक अनीश की कार पर सब्जी लदा ट्रक पलट गया। हालांकि हादसे में अनीश की पत्नी एवं कार के चालक बार बार बच गए। अनीश पत्नी के साथ जमशेदपुर लौट रहे थे। वह मार्गो के उल्टी सुभाष नगर का रहने वाला था। अनीश की शादी विगत 29 दिसंबर को हुई थी। नव दंपति मंगलवार को लुधियाना से रांची पहुंचा था। एयरपोर्ट से जमशेदपुर लौटने के दौरान रांची टाटा मुख्य मार्ग के पास यह हादसा हो गया। जमशेदपुर के डिमना डैम के पास कुछ अपराधियों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया, जो घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी वहां से फरार हो गए। फिलहाल घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका ऑपरेशन चल रहा है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले का संज्ञान लिया। जहानाबाद जिले के परसबीघा थाना क्षेत्र के बैजनाथ बिघा गांव में दो भाइयों में अचानक गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें दो को गोली लगी और 3 को लाठी डंडे से मारकर घायल कर दिया गया है। दरअसल कुछ दिन पूर्व से ही रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। बुधवार को विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों भाइयों में गोली चलने लगी, जिसमें 2 व्यक्ति को गोली लगी है। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस का कहना है कि झड़प पैसे मांगने को लेकर हुई है। पुलिस घटना पर नजर बनाई हुई है। बोकारो जिले में नया मोड़ के समीप दिन के उजाले में खुलेआम पिस्तौल लहराने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से 1 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। बोकारो की सिटी थाना पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल भी जब्त किए। सिटी थाना क्षेत्र के नया मोड़ में 18 जनवरी को नया मोड़ के समीप एक अपराधी हर्षित कुमार सिंह और उनके साथियों ने हथियार लहराते हुए एक युवक की पिटाई कर दी। पुलिस ने पीछा करते हुए 4 आरोपियों को पकड़ा और जेल भेज दिया। बिहार के जहानाबाद से एक ही घर के 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है, जबकि घर के 3 सदस्यों की हालत नाजुक बनी हुई है। पूरा मामला फूड पॉइजनिंग का बताया जा रहा है। हालांकि ग्रामीणों ने आनन फानन में घर के 3 सदस्यों को सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया। डॉक्टर के अनुसार जांच के बाद मौत की असली वजह सामने आ पाएगी। पलामू आयुक्त तो जटाशंकर चौधरी मंडल डैम का भ्रमण करने पहुंचे। उनके साथ डीएचयू राजकुमार लकड़ा भी थे। आयुक्त ने मंडल डैम के साथ साथ 11वीं वाहिनी सीआरपीएफ कैंप, सीआरपीएफ के सामुदायिक पुस्तकालय, सीआरपीएफ चौक का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान आयुक्त ने कहा कि मंडल डैम का कार्य पूरा होने से क्षेत्र में सालों भर कृषि की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इससे सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि डैम पर्यटकों को भी आकर्षित करेगा। यहां 2 जिलों की सीमाएं भी आवागमन से जुड़ जाएंगी। औरंगाबाद में एनटीपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली बिजली परियोजना एनटीपीसी का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इससे 1980 मेगावाट बिजली का न सिर्फ उत्पादन होगा, बल्कि इससे बिहार को 1683 मेगावाट सस्ती बिजली मिलने से बिहार को प्रतिवर्ष 150 करोड़ रुपए से अधिक की बचत भी होगी। इस परियोजना के 3रे यूनिट का ट्रायल रन शुरू हो गया है और इसे 22 जनवरी से फुल लोड पर चलाया जाएगा। समाचार एक्सप्रेस में इतना ही। झारखंड बिहार की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।